assalamualaikum my students my name is muhammad yahya and i am your islamiyat teacher welcome to lecture number three of class six so in the previous lectures we had discussed Tawheed and azan the story of azan and the background of it so now we will discuss the topic of salat that is namaz so let's get started सलात इज़ द वर्शिप ऑफ़ अल्लाह दैट इज़ के नमाज और जो सलात है ये अल्लाह ताला की इबादत है जो हम नमाज पढ़ते हैं उसको अरबिक में सलात कहते हैं सलात हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है यानी हर मुसलमान को ये लाजमी पढ़नी है कोई भी नमाज़ नहीं छोड़ सकता नमाज जो हम पढ़ते हैं तो इससे बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी, अल्लाह ताला ने हमें इतना सब कुछ दिया हम उसका शुक्र अदा करते हैं और जो हम हम इस नमाज पढ़ के आजिज़ी दिखाते हैं कि हम अल्लाह ताला के सामने आजिज़ हैं हम ह्यूमिलिएट हैं और अल्लाह ताला सबसे अजीम है सबसे बड़े हैं नमाज इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम दैट इज़ के इस्लाम के जो फाइव पिलर्स हैं कि जिन पर ईमान लाए बगैर जिन पर बिलीव किए बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता तो सलात उनमें से एक है नमाज की इम्पोर्टेंस के बारे में क़ुरान में मुख्तलिफ़ आयात हैं इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "सलात इज़ द कोलनेस ऑफ माई आईज यानी नमाज मेरी आँखों की ठंडक है और जो क़यामत के दिन सवाल जवाब होंगे तो वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन डेट विल बी आस्ड नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात का इकरार कर रहे होते हैं कि हम अल्लाह त ही एक मानते हैं अल्लाह त ही अपना खालिक और मालिक मानते हैं जो शख्स रोजाना दिन में पांच बार नमाज पढ़ता है तो उसका ईमान बार बार ताज़ा होता है और उसको इस बात का आ, आ, अंदाज़ा होता है उसको इस बात ये बात उसके जहन में रहती है कि सिर्फ़ अल्लाह ही हमारे खालिक है और फिर वो बहुत सारी बुराइयों से बचता है वो बुराइयाँ करना छोड़ देता है बुराइयों से अपने आप को दूर रखता है अल्लाह ताला ने कुरान में हमें नमाज़ का हुक्म दिया सलात का हुक्म दिया और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एग्जाम्पल से सलात का तरीक़ा बताया कि किस तरह सलात पढ़नी है किस तरह नमाज़ पढ़नी है और नमाज के जो टाइमिंग्स हैं वो फिक्स्ड हैं दिन में पाँच बार नमाज के टाइमिंग फ़िक्स्ड हैं हम जो डॉन है उससे लेकर फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं सनसेट और फिर रात को ईशा की नमाज़ तो दिन में पांच नमाज के नमाजों के टाइमिंग फिक्स हैं और उन पर हम नमाज़ों को अदा करते हैं सलाद की जो जो इम्पोर्टेंस है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि एक इट इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम और ये ऐसे फ़रज़ है कि जिसे हर हालत में अदा करना है इसको छोड़ नहीं सकते तो और इससे फिर क्या होता है कि इसको अदा करने से हमें अल्लाह ताला की याद हमारे दिल में रहती है हम बुराइयों से बचते हैं और इस एक फायदा इसका ये भी है कि ये ये हमारे लिए एक्सरसाइज का पर्पस भी पूरा कर देती है कि इसकी जो जो तरीका है इसका वो एक्सरसाइज का पर्पस भी पूरा कर देता है तो ये सलात की इम्पोर्टेंस काफ़ी है इस्लाम में तो जो टाइमिंग है हमारे पास दिन में फाइव प्रेयर्स हैं तो उनके मखसूस टाइमिंग है जो फाइव प्रेयर्स के नाम क्या हैं फजर जहर असर मग़रब एंड ईशा और इनके टाइमिंग्स क्या हैं फजर इज़ जस्ट बिफोर डाउन जो सुबह होती है जैसे हम रस में रमज़ानों में सहरी करते हैं तो सहरी का जो टाइम ख़त्म होता है और फिर उसके बाद जो सूरज तुलू होता है ये जो टाइम है ये डाउन का टाइम है तो इसको हम कहते हैं ये फजर का टाइम है इसके बाद फिर जहर जहर स्टार्ट होती है मिड डे जब सूरज बिल्कुल हमारे सरों पर होता है बिल्कुल सेंटर में होता है आसमान में उसके बाद शुरू होता है जोहर का टाइम फिर नेक्स्ट है असर असर होती है लेट आफ्टरनून में और इसके बाद है फिर मगरब मगरब इज़ जस्ट बिफोर सनसेट सॉरी जस्ट आफ्टर सनसेट तो जैसे ही सूरज गुरूब हो जाता है और तो फिर मगरब का टाइम शुरू हो जाता है और फिर उसके कुछ देर बाद इशा शुरू हो जाती है जब सनसेट हो जाता है उसके बाद नाइट फॉल आ जाता है तकरीबन एक घंटे बाद तो उसके बाद फिर इशा शुरू हो जाती है तो ये हैं नमाज के टाइमिंग्स जिन पर ए, सिर्फ इन्हीं टाइम पर ये नमाज अदा की जा सकती है इसी तरह हमारे पास सलाद के मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो है फ़र्ज़ सुन्नत एंड नफल तो फ़र्ज वो पार्ट है सलाद का जो लाजमी पढ़ना है जो हम पर फ़र्ज़ है ये ए, हम पर ये कंपलसरी है ये हमें लाजमी पढ़ना है सुन्नत वो पार्ट है जो रसोल्ला सल्ला वल्म रोज़ाना उसके साथ साथ फ़र्ज़ नमाजों के साथ पढ़ा करते थे तो ये फ़र्ज़ के साथ हम एडिशनल नमाज अदा करते हैं इसके अलावा फिर नफिल जो थर्ड टाइप है वो क्या है वॉल्ट्री प्रेयर है तो ये ज़रूरी नहीं है अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा सवाब मिलेगा और अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमें कोई गुनाह नहीं मिलेगा और जो नमाज में जितनी रकाज या कह लें कि साइकिल्स ऑफ स्टैंडिंग्स बॉइंग एंड प्रोस्ट्रेटिंग तो ये सब फिक्स्ड हैं तो हर नमाज में ये रकाज फिक्स्ड हैं तो फजर में ये जो फ़र्ज हैं टू रक़ हैं जहर में जो फ़र्ज हैं वो फोर रकाज हैं असर में भी फोर रक़ फ़र्ज हैं मगरब में थ्री रक़ फ़र्ज हैं और जो इशा है उसमें फोर रकाज फ़र्ज हैं तो ये uh, फ़र्ज रकात की क्वांटिटी है इसी तरह सुन्नत की अलग है और नफिल की अलग है तो जब हम सुबह फजर की नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे जो दिन है उसको अच्छा गुजारे दिन को हमारे लिए बेहतर बनाए फिर दिन में हम जहर की नमाज पढ़ते हैं और असर की नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हम हमें आ, हमारे काम में बरकत अता फ़रमाएँ अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फ़रमाएँ हमें बुराइयों से बचाए इसी तरह फिर जब हम रात को नमाज़ पढ़ते हैं तो हम इस बात को अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बुराइयों से बचाया अल्लाह ताला हमारे जो दिन है उसको अच्छा अल्लाह ताला ने गुजारा और फिर हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं कि दिन में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला वो हमें माफ़ कर दें क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी का मकसद है वो अल्लाह ताला को खुश करना है हम अल्लाह ताला के सर्वेंट से अल्लाह ताला ने हमें बनाया है हम अल्लाह ताला के मखलूक है हमारा काम अल्लाह ताला को राज़ी करना है तो हम ये ये किस जरिए से करते हैं ये जो फाइव प्रेयर्स जो फ़र्ज की गई हैं हम इस ज़रिए इनके ज़रिए से अल्लाह ताला से हम आ, आ, मदद मांगते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जब हम नमाज शुरू करने लगते हैं तो उससे पहले एक अहम काम जो हम करते हैं वो ये है कि वी परफॉर्म एबोल्यूशन तो जो वज़ू है हम वज़ू करते हैं और उसमें क्या होता है कि हम अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जैसे हाथ मुंह, पाँव इन सब को वॉश करते हैं ताकि कोई गंदगी लगी हो कोई इम्प्योरिटी हो तो वो साफ़ हो जाए इस तरह हम अपने आप को प्योर करते हैं उसके बाद फिर हम नमाज अदा करते हैं बहुत से जो नेक मुसलमान होते हैं वो क्या करते हैं अपने आप को ज्यादातर हर वक्त वज़ू की हालत में रखते हैं कि एक बार वो वज़ू करते हैं और जब तक उनका वज़ू अगर टूट जाता है तो फिर वो दोबारा कर लेते हैं यानी वो बार बार वज़ू करते रहते हैं वरना ज़रूरी यह है कि हम जब नमाज पढ़ने लगे तो उससे पहले वजू करना ज़रूरी है इसके अलावा जो एडिशनल कोई करे तो ये और अच्छी बात है

आर क्लोथ शुड बी क्लीन एंडली कवर्ड तो जो हम कपड़े पहने हुए हैं वो साफ होने चाहिए और वो मुनासिब होने चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि कपड़े फटे हुए हैं या उन गंदे हैं तो इस तरह के कपड़ों में नमाज नहीं होती हमें अच्छे और साफ कपड़े पहनने चाहिए द नेक्स्ट इज वी मस्ट फेस द किबला द खान काबा इन मक्का यानी हमें जो अपना रुख है वो किबले की तरफ करना और किबला क्या है खान काबा है जो मक्का में है द नेक्स्ट इज वी मस्ट नॉट लुक हेयर एंड देयर एंड शुड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दलाद तो हमें नमाज पढ़ते वक्त इधर उधर नहीं देखना सिर्फ नमाज पर फोकस करना है अगर इधर उधर देखेंगे तो हमारा फोकस ख़राब हो जाएगा और हम अल्लाह ताला को किस तरह याद कर सकेंगे तो एंड द नेक्स्ट इज द रेसिटेशन ऑफ आयास मस्ट बी सॉफ्ट एंड क्लियर नमाज में हम जो कुरान की आयत हैं उनकी तिलावत करते हैं तो वो हम हमें अच्छी तरीके से करनी चाहिए और इस तरह करनी चाहिए कि हमारी वॉइस क्लियर हो और एक और जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम नमाज पढ़ने लगे तो हम पीस ऑफ माइंड की हालत में हो हमारा जहन कहीं और ना हो कि हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन सोच कुछ और रहे हैं तो इस तरह फिर नमाज आ, का जो रिवॉर्ड है वो कम हो जाता है इसलिए जब हम नमाज पढ़े तो हमारा पूरी कंसंट्रेशन नमाज पर हो और पीस ऑफ माइंड हो हम किसी और बारे में ना सोच रहे हों। योर होमवर्क इज दैट द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन आपको ये क्वेश्चंस uh, इनके आंसर्स इस टॉपिक में से जो हमने पढ़ा बुक में बुक बुक का ही ये टेक्स था तो आपने इसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं अगर आपने अभी तक प्रीवियस जो होमवर्क है वो सबमिट नहीं करवाया तो आप वो सबमिट करवा दें ताकि वो भी चेक हो जाए और उसके बाद आप ये होमवर्क भी कर सकें इनशाला हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर